देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ए जल्दी ले आना, पीछे बैठ, घुटने के बल बैठ। लूथरस, तुम लोग जहां भी हो सब लोग मुझे अभी के अभी यहां हॉल में चाहिए। 5 गिनूंगा मैं, अगर मेरे 5 गिनने तक तुम लोग यहां नहीं आए तो तुम लोगों के घर की बेटी यानी कि कृतिका की डेड बॉडी देखोगे। सिर्फ 5 गिनूंगा मैं, 1, 2, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। इधर आ, अच्छा पैदा ना मार दे। 3, भैया कृतिका, कृतिका पीछे जाओ। ए पकड़, पता था तुम सब आओगे क्योंकि ये कृतिका तुम लोगों की बहुत प्यारी है ना। हाँ, इसकी डेड बॉडी नहीं देखना चाहोगे तो पता था तुम सब आओगे और आना ही पड़ेगा। तुम सारे लूथरस अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। हाँ, सुपारी डाल के गिरा दिया हम सबको, बेवकूफ समझते हो मैं। अब क्या हुआ, कहाँ गई तुम लोगों की होशियारी? अब तुम लोग वही करोगे जो मैं कह रहा हूं, और अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई किसी ने तो इसकी डेड बॉडी। क्यों परेशान कर रहे हो उसे? तुम क्या चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर आ जाए ना? हम सब आ गए यहाँ पे तो मान ली ना तुम्हारी बात। छोड़ दो उसे, छोड़ो इसे, प्लीज छोड़ो इसे, प्लीज प्लीज। क्यों, तू यहाँ का इंचार्ज है, चुपचाप खड़ा रहे। अगर गलती से भी मैंने इस पे चार्ज कर दिया ना तो इसकी डेड बॉडी के चार्जेस तुझ पे लग जाएंगे। चुपचाप खड़ा रहे। ए, गहने जेवर ले लो सबके। एक मिनट ऋषभ, मैं हूं ना, मैं हूं, मुझे लो, मुझे पैसे चाहिए, गहने चाहिए, क्या क्या, क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा। एक मिनट मेरी बात सुनो। ठोक दूंगा मैं ये सब। यहाँ से जाओ, तुमको पैसे चाहिए पैसे मिल जाएंगे, यहाँ से जाओ, चलो जाओ यहाँ से। ठोक दूंगा, तुमको चाहिए जो चाहिए तुमको दे रहे हैं ना हम लोग, तुमको जो चाहिए वो दे रहे हैं ना हम लोग। पीछे करो, लेके जाएंगे हम। क्या हुआ, बाजी पलटी नहीं? यहाँ पहले तुम सब लोग हमें अपने इशारों पे नचा रहे थे। अरे नचाया नहीं, सुपारी डाल के गिराया। नचाया होता तो फिर भी खुशी होती, और अब देख हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। हाँ? अब हम तुमको नचाएंगे, मजा आ गया। देखिए आप मजे मजे नीचे कर लीजिए, हमें परेशान मत कीजिए। अगर आपको जेवर चाहिए आप ले लीजिए, पर प्लीज यहाँ से चले जाइए। सही कहा, हाँ? जेवर ही लेने आए हम। जेवर निकालो सबके, चलो चल। हाँ। कल के अंदर दिमाग खराब है तेरा, जब मैं लूंगा तभी तू लेगा। तेरा मेरा कनेक्शन है क्या? अब जा बंदूक ढूंढ, और निकल, किसी काम का नहीं है, बस घोड़े की आवाज निकल गया। चलो जेवर अपने। जल्दी जल्दी करो जी, उतारो। हेलो,
सैमी, मेरे पैरों के पास बंदूक है, उसे उठा लो, मैं तुम्हें पास कर रही हूँ। उठा लो जल्दी। इन गुंडों का वीडियो बनाकर मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, अब ये वायरल हो जाएगा और पुलिस तक पहुंच जाएगा। मैंने वार्न किया था कि कोई होशियारी नहीं दिखाएगा, बोला था ना, लेकिन तुम लोग सुधरोगे नहीं। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो मैं बिगड़ जाऊंगा। प्यार से समझाया था तुम लोगों को, पर प्यार की भाषा तुम लोगों को समझ में नहीं आती। आखिरी बार बोल रहा हूं, जैसा कह रहा हूं वैसा करो, वरना जान निकाल रहे हैं। निकाल रहे, सब लोग निकाल दो। इतने अमीर होके गरीबों जैसी हरकतें करते हो? हे, तू डायलॉग मत मारना, जल्दी से गहने ले और चल यहां से, जल्दी कर। ए! जब मैं बोलता हूं तो कोई मेरी बात नहीं काटता, और तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू मेरी बात काट रहा है? हा? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम प्रीता से मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। अंजलि, जो मेरे दिल में प्रीता के लिए प्यार है ना, उसके प्यार की गहराई को मैं नाप भी नहीं सकता। समझ गई मैं अर्जुन कि मैं तुम्हारे लिए कितनी जरूरी हूँ। अंजलि, अंजलि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। क्या कर रहे हो? छिपा हुआ हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, और वैसे भी उन गुंडों ने सिर्फ फैमिली वालों का नाम लेके बुलाया है, मुझे नहीं। इसका मतलब तुम इस फैमिली को धोखा दे रहे हो? नहीं नहीं, धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो साथ दे रहा हूँ, सबको बचाने के लिए पुलिस बुलाई है मैंने। पुलिस बुलाई है? कैसे? तुम्हारे पास फोन है तुम्हारा? हाँ, मेहमानों को फोन करना ही मना था, और फैमिली वालों भी फोन अपने साइड में रख दिए थे, क्योंकि जो भी मेहमान घर के अंदर आ रहा था उसका फोन साइड में रख दिया जा रहा था, और मैं तो दोनों नहीं हूँ तो मैंने नहीं रखा। वाओ। वैसे एक बात बोलूं, मुझे लगता है इन मास्क में से एक पृथ्वी है। पृथ्वी? हाँ, शायद आप पृथ्वी को नहीं जानती, बहुत ही पहुंची हुई चीज है वो। अरे कहाँ जा रही है, रुकिए, पुलिस आने वाली है। बोल दिया तो क्या हो गया, पहाड़ टूट गया क्या? पहाड़ नहीं टूटा, पर मेरा रौब तो टूटा ना। अब मैं क्या तेरा रौब देखने बैठा हूँ यहाँ पर? प्लीज, ये सब बाहर जाके करोगे, हम लोगों को जाने दो यार। तू क्यों बीच में बोल रहा है? क्यों बोल रहा है बीच में? क्योंकि तुम लोग बीच में आ रहे हो। नहीं, नहीं, ये हमारा मामला है ना, हम झगड़ा कर रहे हैं, हम सुलझा देंगे, बीच में बोला तो ठोक दूंगा। तू इतना ओवर स्मार्ट क्यों बन रहा है? भूल गया, मेरा कर्जदार है तू, समझा? तेरे से पैसे निकलते हैं मेरे, इसलिए अपने औकात मत भूल। औकात से याद आया, नमक स्वाद अनुसार और एटीट्यूड औकात अनुसार होना चाहिए। तो तू औकात मेरे मास वाले भैया, आपने जो कहा ना, जो डायलॉग मारा, बिल्कुल सही। मैं आपसे सहमत हूँ, आप बिल्कुल सही हो। हाँ, सुना सुना। थैंक यू सिस्टी। तुम्हें कैसे पता इसका नाम सिस्टी है? क्योंकि मैं फेमस हूं सैमी, सब जानते हैं मुझे, और तुम्हें जलन क्यों हो रही है? समीर, तू तो जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, सृष्टि सिर्फ तेरी है, इस जन्म में भी और आने वाले 7 जन्मों तक, ओके? समीर, वो तुमसे लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन बहुत प्यार करती है तुमसे। कुछ प्यार नहीं करती मैं तुमसे। जल जल रहे हो ना, जलते रहो।
अरे मैं तो कह रही हूँ ना तुम लोगों को, ये सृष्टि के गुंडे है, सृष्टि का सब खेल है, तभी तो नाम जानती है सृष्टि का। हाँ क्या अरे कोई मुझे भी कुछ बोलने देगा या नहीं प्लीज। एक मिनट, तुम नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? अंजलि जॉब इंटरव्यू चल रहा है क्या? रॉबरी है, रॉबर्स अपना नाम क्यों बताएंगे मैडम? तुम एक मिनट चुप रहो, तुम बताओ नाम क्या है तुम्हारा? अरे मेरा नाम जानना ना, मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। क्या? हाँ? हाँ बस भैया बस, बस, बस। ये लो। ये क्या हो रहा है? कैसे क्यों लेटा हुआ? अरे भाई तुम ठीक तो हो? बकवास कर रहा है, ये पृथ्वी मल्होत्रा नहीं है, ये कोई स्टूपिड सा गुंडा है जो अपना नाम पृथ्वी बता रहा है। हम लोग स्टूपिड नहीं है। कृतिका पुत्र रहने दे ये सब बातें, हमें नाम से क्या लेना देना, ये पृथ्वी हो या आकाश हो कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। हमें तो बस इतना इंटरेस्ट है कि आज ये शादी कैसे भी मुहूर्त पे हो जाए। चलो भाई चलो, सब लोग अपने अपने जेवर निकालिए। और सुनिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जिसका जितना नुकसान होगा जेवर देने में उसकी सारी भरपाई हम करेंगे, पैसे हम दे देंगे, डू नॉट वरी, बस निकाल के दे दो। आपको क्या बात हो गई? आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? राखी पुत्र, तू इतनी भोली क्यों है पुत्र? भोली? मम्मी जी, सब आप ही का आशीर्वाद है। आप तो जानते हैं, पैसों की लालच तो हमें बिल्कुल नहीं है। गुंडे भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है, हमारे पास तो इससे ज्यादा कहीं ज्यादा जेवर हैं। इतने पैसे पड़े हैं जो मेरे पति ने, मेरे बेटे ने कमाए हैं। और ऐसे वाले बंगले हम एक रात में 10-10 बना देंगे, इतने अमीर हैं हम लोग। लेकिन मन में बिल्कुल घमंड नहीं। आपको ज्वेलरी चाहिए ना, मैं निकाल के देती हूँ, आप ले जाओ, बाकी सब छोड़ दो। चलिए चलिए अपना अपना ज्वेलरी निकाल दीजिए। चुप करो। मैडम जी और क्या क्या? आप ये जानना चाहते हैं हमारे पास क्या क्या है? मैं आपको बताऊं, वहां पे सीधा जाके वो लास्ट वाले कमरा है ना, कमरे में अभी जिसके पास जो भी हथियार है, चाकू छुरी वो सब निकाल के रख दो यहाँ पे। ऋषभ इनसे इनके हथियार ले ले, चल चल चलो 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 कमरे में चलो। ये डेट छाने, तूने आने से पहले मैं राखी लूथरा के बारे में क्यों नहीं बता रहे? अबे बोलना। पता होता तो बता देता ना। मुझे क्या पता था कि ये राखी लूथरा जो सती सावित्री बनी फिरती है, प्रीता के साथ रहते रहते महाकाली बन जाएगी। इन लूथरास का ना कोई भरोसा नहीं है। कौन कब किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, मुझे खुद नहीं पता था कि वो इस तरह से हम सबको धक्के मार के यहाँ कमरे में बंद कर देगी। यार पर मानना पड़ेगा,
कि राखी लूथरा में ना वाकई में बहुत डेयरिंग आ गई है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 उस अकेली औरत ने हम पांचों को धक्के मार के कमरे में बंद कर दिया। अबे चुप कर। अब उस ओल्डी गोल्डी के तारीफों के गाने गा गा कर मेरा दिमाग और खराब मत कर। कौन ओल्डी गोल्डी बॉस? ओ, वो जाबाजिनी जिसने हम मुस्टैंडो को इस रूम में बंद कर दिया। आए हाय, वो तो जवानों से भी ज्यादा जवान है। 10-10 को उठा उठा के एक साथ पटकती है वो। हम देखे कार कर लू। जय हो राखी लूथरा के। जय हो, जय हो। बॉस क्या डेयरिंग औरत है। नमक हरामो। जय हो। मेरे चमचे होकर उसकी तारीफ कर रहे हो। अरे अब क्या करें बोलना। मैं हवन कर ले भाई, सोच रहा हूँ, सोचने देना। ये सब तुम लोगों की गलती है। आज अगर हम लोगों का ये हाल है ना, उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। बोला था ना मेरी बेबी को छोड़ दो, शालिन बेबी को छोड़ दो। ऐसे ही नहीं बोल रहा था, सोच समझ के बोल रहा था मैं। अगर आज वो यहाँ होती ना हमारे साथ, हमारा साथ दे रही होती, हमें बचा लिया होता उसने। अबे चुप कर। जो नहीं हो सकता ना उसका राग मत अला, जो हो सकता है वो रास्ता ढूंढ। इसलिए तुझे साथ रखा है। और क्या कह रहा था तू? इस लूथरा उसका चप्पा चप्पा जानता है। अबे तो ये भी जानता होगा कि इस बड़े से घर में एक इंसान तो होगा जो हमारी मदद कर सके, जो हमें यहां से निकाल सके। है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इन गुंडों को अंदर बंद कर दिया। मम्मा क्या कर रहे हो, लग जाएगी उनको। क्या सोच रहे हैं कि राखी जी ने ये सब कुछ कैसे कर लिया? तो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ ये समझते हैं कि राखी बहुत ही स्वीट है, लेकिन आप सबको मैं ये बता दूं कि स्वीट होने के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा शातिर और तेज भी हूँ। तो अगली बार भगवान न करे कभी जरूरत पड़े कि लड़ाई झगड़ा करना हो, तो मुझे रोकने की कोशिश कभी मत करना। बिल्कुल नहीं। मुझे क्या देख रहे हो? वो एक्चुअली क्या है कि मैंने राखी जी को गुंडों से लड़ने के लिए मना किया था। मतलब ये ठीक नहीं है ना इस तरीके से जाबाजी दिखाना, लेकिन मैं मान गया मेरी गलती है। आप तो वाकई बहुत जाबाज हैं, अगली बार बिल्कुल नहीं रोकूंगा। एक बात बताओ, जब उन्हें बंद कर लिया, गुंडों को पकड़ लिया, बंदूक हमारे पास है, तो उनका चेहरा क्यों नहीं देखते हैं? कितना अजीब बंदा है तू यार। मतलब यहाँ पूजा का माहौल चल रहा है, शादी हो रही है, हमें तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि शादी सही मुहूर्त में हो जाए, और तुम्हें उन गुंडों का चेहरा देखना है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चले जाओ, दरवाजा खोलो और गुंडों का चेहरा देख लो, फिर आना शादी अटेंड करने। पता तो लगे ना किसने किया। अरे बेटा वो बोल रही है तो मानना, ये पकड़ संभाल। हाँ, ये भी ले, आराम से। पंडित जी, जी आप शादी की रस्में शुरू कीजिए। जी प्रीता पुत्र, जा फ्रेश हो जा। चलो अभी आता हूँ, जरा किसी के पास तो फोन होना चाहिए ना। फोन ही नहीं है किसी के पास। अर्जुन पुत्र, तू भी चल पूजा के लिए कपड़े थोड़े ठीक कर ले। अब ठीक है, चल पूजा में बैठ। पुलिस आ रही है, उनका फोन आया था अभी। प्रीता जी ने जो लाइव वीडियो किया था वो पुलिस ने देखा, उन्होंने कॉल किया था, तो मैंने उनको कहा कि गुंडे यहीं पर है, तो वो लगा रहे हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। कई बार ये लड़की मुझे इरिटेट करती है, लेकिन कभी कभी ऐसे काम कर जाती है ना कि मैं बहुत इंप्रेस हो जाती हूँ उससे। Thank you.
दादी मैं भी आई। ऋषभ बेटा काव्या कहाँ? डैड वो ऊपर ही है, सेफ है, सब ठीक है। उसके थोड़े से बाल खराब हो गए थे तो कहती मैं बाल ठीक करके आ रही हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? My name is Deeka Bindra. काव्या बिल्कुल मेरे जैसी है। अगर आपको टचअप करना है तो सृष्टि क्या हुआ? तू कुछ सोच रही है? कुछ नहीं, तुझे कुछ कहना था? ये आपको तो पता है मुझे पहले से ही लगता था कि अर्जुन ही करण जीजू है, लेकिन ऑफ लेटली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन अब मुझे पूरा शक है कि क्या अर्जुन ही करण जीजू।